ड्यूक 200 का बोर आपको मिलेगा 72 mm का, यानी कि जो डायमीटर है सिलेंडर का वो है 72 mm और स्ट्रोक है 49 mm। वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का मैंने क्वेश्चन देखा है कि भाई मैं 350 रॉयल एनफील्ड खरीदूं या कि फिर ड्यूक खरीदूं। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हो, तो उनका आंसर कर पाना डायरेक्टली मुश्किल होता है मेरे लिए। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कैसे क्या होता है, सीसी क्या होती है, पावर कैसे वेरी करती है, रॉयल एनफील्ड में बेसिकली पावर कम क्यों है ज्यादा सीसी होने की वजह से, क्योंकि आप देखो ड्यूक 200 है 200 सीसी की लेकिन पावर है उसमें 25 बीएचपी की, लेकिन रॉयल एनफील्ड है 350 सीसी की लेकिन उसमें पावर है मात्र 20 बीएचपी की। तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताने वाला हूं, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्चुअल में ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड हो ना तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको, और ये वीडियो के बाद आप किसी भी बाइक का सीसी या सब चीजें आप खुद ही जज कर पाओगे। मतलब ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप सीसी भी निकाल पाओगे, अगर आपकी किसी भी बाइक का स्ट्रोक या बोर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप सिंपली कैलकुलेशन करके उसका सीसी निकाल सकते हो, और सीसी निकालने के बाद आप सिंपली ये सारी चीजें देख के आप ये भी बता सकते हो कि ये बाइक का पावर अच्छा होने वाला है या कम होने वाला है। तो गाइज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, और मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है कि मैं पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो गाइज ये वीडियो आप एंड तक देखना, बिल्कुल थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मिस करोगे क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने पीछे पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, एग्जाम्पल ड्यूक का भी लिया है, रॉयल एनफील्ड का भी लिया है, तो आप पूरी वीडियो देखना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लॉजिकल है, और ऐसी वीडियो मुझे लगता है गाइज आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक भी करना, और अगर वीडियो जैसे कि इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई 350 सीसी में पावर कम है, सबके साथ शेयर कर देना जिससे सबको भी मालूम चल जाए कैसे सीसी या डिस्प्लेसमेंट या वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और दो सिलेंडर वाली गाड़ियां ज्यादा रिफाइन क्यों होती हैं, वो सब कुछ कवर हो जाएगा छोटी सी कैलकुलेशन के थ्रू। ओके, तो आप ये देख सकते हो ये पूरी कैलकुलेशन। तो गाइस पहले आपको बता दूं सीसी क्या होता है। जैसे कि सीसी आपने सुना होगा 200 सीसी की गाड़ी, ड्यूक 200 सीसी है, एनएस 200 सीसी है, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी है। तो सीसी होता क्या है? तो गाइस सीसी वॉल्यूम होता है, मतलब आपको बताऊं जब ये ऑटोमोबाइल जो भी गाड़ियां चलती हैं उनके अंदर सिलेंडर होते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, दो सिलेंडर, चार सिलेंडर, तो वो सिलेंडर के अंदर जो टीडीसी और बीडीसी के बीच का वॉल्यूम होता है उसको सीसी या वॉल्यूम बोलते हैं। उसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, आपने कहीं कहीं सुना भी होगा उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन ये है, पहले मैं आपको ये सिलेंडर दिखाता हूं। तो गाइस देख सकते हो ये मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा आप कुछ समझ सकते हो कि ऐसी अपनी गाड़ी का सिलेंडर होता है। तो गाइस ये वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल सिलेंडर के नीचे वाला पोर्शन, ये देख सकते हो इसको बोलते हैं बीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर, और ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर। और ये आप देख सकते हो ये है पिस्टन, ये मैंने पिस्टन को ड्रॉ करके रखा है। ये पिस्टन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूव होता है। आपने देखा भी होगा जैसे अगर ये सिलेंडर है तो ऐसे ऐसे मूव होगा, और मूव होने की वजह से कंप्रेशन होता है, फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, स्पार्क प्लग के थ्रू उसमें आग लगती है और आपकी जो भी है कंबसन प्रोसेस हो जाती है। ये हो गया। तो गाइज ये जो पिस्टन है यहां से लेके यहां तक मूव हो रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक मूव हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि इसका ये पूरा वॉल्यूम जो होता है इसी को सीसी बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप एज अ डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो अगर ये यहां से यहां तक मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए अगर ये है, पॉइंट बी ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुई ना, ये हाइट वाली, तो इसीलिए सीसी को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो सीसी आपका डिस्प्लेसमेंट या आपका वॉल्यूम सब कुछ सेम है। अब देखो ये सीसी और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, ये मान के चलो ये एक सिलेंडर है जो कि आपकी बाइक के अंदर लगा हुआ है। अब उसमें क्या होता है, ये मैंने जो बताया आपको, ये जो है ये पूरा इसका डायमीटर हो गया, सिलेंडर का डायमीटर हो गया, और सिलेंडर का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं बोर। आपने स्पेसिफिकेशंस में पढ़ा भी होगा कि इस बाइक का बोर इतना है और इस बाइक का स्ट्रोक इतना है, तो जो बोर होता है वो होता है सिलेंडर का डायमीटर। ठीक है, अब अगर सिलेंडर के डायमीटर यानी कि बोर को अगर आप हाफ कर दोगे तो सिलेंडर की रेडियस निकल आएगी। फॉर एग्जांपल किसी बाइक का जो बोर है वो है 80 mm का, तो अगर आपको उस बाइक के सिलेंडर का रेडियस जानना है तो आप 80 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, यानी कि 40 मिलीमीटर जो होगा उस बाइक के अंदर जो सिलेंडर यूज हुआ है उसका रेडियस होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, ठीक है, मतलब बोर का आधा रेडियस हो गया।
सेकंड समझते हैं स्ट्रोक को। तो गाइस जो पिस्टन है वो टीडीसी से लेकर के बीडीसी के बीच मूव होता है, और जो ये मूवमेंट होती है इसका जो टोटल हाइट है, मूवमेंट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वन स्ट्रोक, और जो पर्टिकुलर हाइट है जो कि मूव होने में यूज होती है, मतलब जिस हाइट में मूव होता है उसको स्ट्रोक हाइट बोलते हैं। तो सिलेंडर के टर्म्स में भी समझो तो जो स्ट्रोक होता है ना वो सिलेंडर की हाइट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीसी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, आर मैंने आपको बताया बोर का आधा, ठीक है, एच मैंने आपको बताया स्ट्रोक। ये अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ड्यूक 200 का। ड्यूक 200 का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूक 200 का अगर आप स्पेसिफिकेशन चेक करोगे तो उसमें ड्यूक 200 का बोर आपको मिलेगा 72 mm का, मतलब ड्यूक 200 का जो बोर है यानी कि जो डायमीटर है सिलेंडर का वो है 72 mm और स्ट्रोक है 49 mm, ठीक है। अब करते हैं इसका अगर वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम के ये जो फॉर्मूला है इस पे पुट करते हैं इन दोनों वैल्यू को। हाँ, ध्यान आपको यहाँ पे गाइज ये भी रखना है कि 1000 mm इक्वल टू होता है 1 cc, ये कन्वर्जन है, ये बाद में अपन कन्वर्ट कर लेंगे, पहले अपन इसमें पुट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3.14, आर मतलब बोर का हाफ, 72 डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 72 का आधा आप कर सकते हो उसका स्क्वायर कर दो। उसके अलावा हो गया आपका ये स्ट्रोक हो गया आपका 49 mm। अब अगर इस पूरे फॉर्मूला को अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा इतना 199402.56, ये mm में आएगा। अगर अपने को सीसी में चाहिए, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में चाहिए, तो उसको अपन डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आ जाएगा। तो गाइज ये जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है 199.4 cc। गाइज आपको बता दूं ड्यूक का डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो वॉल्यूम है वो है 199 cc का, आपने देखा होगा स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ, तो जो एग्जैक्ट वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 199.4 cc, मतलब 99 cc, और 200 cc ही उसको बोला जाता है। तो ऐसे आपने निकाल लिया, कैसे आपने निकाला, आपको स्ट्रोक मालूम चला था, आपको बोर मालूम चला था, तो आप बोर और स्ट्रोक को पुट करके आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब गाइस यहां पे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको किसी भी गाड़ी का सीसी बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इस बाइक का सीसी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या बोल सकते हो कि इस बाइक का सीसी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहां पे आप समझो अगर आप किसी भी बाइक का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो या तो आपको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा यानी कि आपको बोर बढ़ाना पड़ेगा, बोर साइज बढ़ाना पड़ेगा, या कि फिर आपको सिलेंडर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी यानी कि टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो स्ट्रोक की लेंथ है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आप समझ गए, अगर किसी भी बाइक का वॉल्यूम बढ़ाना है तो या तो आप बोर की साइज बढ़ा दो या कि फिर आप स्ट्रोक की साइज बढ़ा दो। समझ गया, बहुत इजी है, कितना इजी है मैंने आपको समझाया। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती रहेगी आपको तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो ड्यूक का एग्जांपल आपने समझ गया, बहुत इजी था, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। और हाँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझे क्योंकि नॉर्मल रिव्यू नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है। अब लेते हैं गाइस यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया रॉयल एनफील्ड का। तो रॉयल एनफील्ड की अगर मैं क्लासिक का एग्जांपल लेता हूँ तो जो क्लासिक है, क्लासिक 350, उसकी बोर साइज है 70 mm, स्ट्रोक साइज है 90 mm। अगर हम इसी फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा 350 cc का। मैंने आपको जैसे ड्यूक में करके दिखाया, वैसे आप इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो, 1000 से डिवाइड करो तो वो सीसी में आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, और वो होगा उसका वॉल्यूम। और गाइस यहां पे 350 नहीं आएगा, 1346 के आसपास आएगा, उसको 350 बोला जाता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो एग्जैक्ट 346 के आसपास आएगा, वो आप थोड़ा देख लेना। तो यहां पे आप नोटिस करो एक चीज कि रॉयल एनफील्ड का जो बोर साइज है वो है 70 mm का, लेकिन जो ड्यूक का बोर साइज था वो था 72 mm का, मतलब ड्यूक का जो बोर साइज है वो 2 mm ज्यादा है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की जगह पे। और स्ट्रोक अगर आप देखो तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का स्ट्रोक ज्यादा है, स्ट्रोक ज्यादा है मतलब 90 mm का स्ट्रोक है, जबकि ड्यूक 200 का स्ट्रोक था 49 mm का। तो यहाँ पे आप देखो रॉयल इनफील्ड की स्ट्रोक साइज को बढ़ा करके उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे आप देखो बोर साइज कम है,
बोर साइज कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो थोड़ा सा कम अंदर आएगा। बोर जितनी साइज बोर की ज्यादा होती है उतना मिक्सचर अंदर आता है और फिर वो बर्न होता है। तो यहाँ पे बोर साइज कम होने की वजह से क्या हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर कम आएगा। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर कम आएगा मतलब पावर कम प्रोड्यूस होगी। तो यही एक रीजन हो गया यहाँ पे कि ड्यूक से पावर कम है, क्योंकि ड्यूक का बोर साइज ज्यादा हो गया। हालांकि वॉल्यूम ज्यादा है रॉयल एनफील्ड का, लेकिन जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से ज्यादा हुआ, स्ट्रोक साइज बढ़ाने से। अब स्ट्रोक साइज बढ़ाने से हुआ क्या गाइस, कि जैसे कि आपको पता होगा रॉयल एनफील्ड एक लॉन्ग स्ट्रोक की बाइक है, तो गाइस यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो कि जितनी भी हायर स्ट्रोक की बाइक होती है ना उनमें वाइब्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा ड्यूक का जो स्ट्रोक साइज है वो है 49 mm का, उसमें वाइब्रेशन कम होता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो स्ट्रोक साइज है सिंगल सिलेंडर वाली बाइक का वो है 90 mm का, मतलब हायर स्ट्रोक की बाइक है, मतलब जो सिलेंडर की जो हाइट है वो बड़ी है। इसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। स्ट्रोक साइज बढ़ाने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया है रॉयल एनफील्ड का, मतलब रॉयल एनफील्ड में पावर कम क्यों हो रही है, क्योंकि बोर साइज कम है। बोर साइज कम है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कम आएगा, लेकिन सीसी क्यों बढ़ गया, क्योंकि भैया हमने स्ट्रोक बढ़ा दिया उसका, क्योंकि अगर आपको सीसी बढ़ाना है तो या तो स्ट्रोक बढ़ाओ या तो बोर बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर किसी भी बाइक का स्ट्रोक छोटा है, हाइट छोटी है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन भी कम होगा। ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हो, अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगी, जैसे ड्यूक में आप देख सकते हो, या आप देखो और दूसरी किसी बाइक में आप देख सकते हो जिनकी स्ट्रोक साइज कम है। अगर कोई बाइक ज्यादा रिफाइन है तो उसका एक जो एक फैक्टर है वो स्ट्रोक साइज भी है। स्ट्रोक साइज कम होगी उसकी तभी थोड़ा सा वाइब्रेशन उसका कम होगा। और जितनी भी हाई परफॉर्मेंस बाइक होती है ना उनका जो बोर साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये भी आपको समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक चीज तो समझ आ गई भाई कि ड्यूक में पावर ज्यादा क्यों है। पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि बोर बड़ा है, एयर फ्यूल के मिक्सचर ज्यादा बन, कंबसन प्रोसेस ज्यादा हुई। तो हाँ, यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि बोर अगर बड़ा होगा ना तो उसका माइलेज भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, ज्यादा बर्न होगा, ज्यादा पावर मिलेगी, मतलब माइलेज जो होगा वो कम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर आप कार्स में देखते हो तो क्या होता है कि सीसी कम होती है, ठीक है, सीसी कम होने के बाद भी उसकी पावर ज्यादा होती है क्योंकि उसमें टर्बो चार्जर यूज होता है। बाकी टर्बो चार्जर का भी आपको बाइक में कोई काम नहीं है, तो अभी अपन टर्बो चार्जर के बारे में बात नहीं करते हैं। देखो लेते हैं एक और रॉयल एनफील्ड की गाड़ी का एग्जाम्पल जो कि वाइब्रेट नहीं करती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हायर स्ट्रोक मतलब ज्यादा वाइब्रेशन। गाड़ी रॉयल एनफील्ड की एक गाड़ी है 650 सीसी की, अगर आपको पता होगा इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी 650। इसका जो बोर साइज है वो है 78 mm का, तो यहाँ पे आप देखो इसका बोर ड्यूक से ज्यादा है, ड्यूक 200 से ज्यादा है, तो ये तो उम्मीद बन गई कि भाई पावर हमें अच्छा मिलने वाला है। ओके, बात करते हैं स्ट्रोक साइज की। तो यहाँ पे आप देखो इसका जो स्ट्रोक साइज है वो है 67.8 mm का, मतलब जो स्ट्रोक साइज है वो क्लासिक के कंपेरिजन में तो कम है बट ड्यूक के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो गाइस यही एक रीजन है कि आप देखो इसका स्ट्रोक साइज है ना वो कम होने की ही वजह से ये जो बाइक है आपकी 650 सीसी के रॉयल एनफील्ड वाइब्रेट नहीं करती। जैसे कि आपने मैंने आपको बताया ना, रिव्यू किया था तो मैंने आपको बताया था जो रॉयल एनफील्ड की दो सिलेंडर की बाइक है वाइब्रेशन उसमें बहुत कम है। तो उसका रीजन यही है कि उसका आर्किटेक्चर न्यू है, उसमें जो स्ट्रोक साइज है वो छोटी है, स्ट्रोक हाइट जो है वो कम है, इसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। हालांकि और बहुत सारे फैक्टर होते हैं पर एक आप टेक्निकली देखो कि ये फैक्टर होगा। गाइस ये आइडियल केस है पूरा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा अनइवन मिल सकती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पावर ज्यादा हो गई तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पावर ज्यादा मतलब हाई स्पीड, लेकिन हाई स्पीड केवल पावर पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी बाइक के एरोडायनेमिक्स सारी चीजों पे भी डिपेंड करती है, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होगी बोर की साइज, ये हो गई स्ट्रोक की साइज। लेकिन गाइस जो रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी उसमें दो सिलेंडर है, तो अगर अपन ये बोर को और ये स्ट्रोक को अगर अपन डेफिनेशन में पुट करेंगे, मतलब इस वाले में पुट करेंगे, बोर को आधा करके इसमें अगर पुट करते हैं, बोर को आधा करेंगे तो रेडियस होगा, तो वहां पे वॉल्यूम निकलेगा 323 सीसी, जो कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ये मल्टी सिलेंडर की गाड़ी है गाइस, यहां पे समझना है, दो सिलेंडर है इसमें, तो इस गाड़ी का पूरा वॉल्यूम होगा कि इसमें दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया 323 सीसी, ठीक है, दूसरे सिलेंडर का भी वॉल्यूम होगा 323 सीसी, उसको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल जो गाड़ी का वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा 647 सीसी। तो जितनी भी रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 या कॉन्टिनेंटल जीटी 650 है उनका जो सीसी डिस्प्लेसमेंट या वॉल्यूम है वो है 647 सीसी, उसको बोलते हैं 650 सीसी, 650 सीसी, बट उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो है 647 सीसी, जिसमें से एक सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 323, दूसरे का हो गया 323। यहाँ पे समझने वाली बात एक ये भी है कि जितना ज़्यादा आप बाइक के सिलेंडर को बढ़ाओगे तो उतना ही ज्यादा वो रिफाइंड होता जाएगा और वाइब्रेशन कम होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर यही 650 सीसी चार सिलेंडर के साथ होती तो वहां पे क्या होता कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता, 647 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हर एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इक्वल होगा, और चार सिलेंडर है तो पूरी गाड़ी का जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो अगर हमने देखा कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ पे स्ट्रोक भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो, स्ट्रोक कम हो जाएगा पर्टिकुलर सिलेंडर का, मतलब वाइब्रेशन भी कम होगा और रिफाइनमेंट बढ़ेगी। तो समझ गए, इसका एक सिंपल सा आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सिलेंडर बढ़ाओगे तो रिफाइनमेंट बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रोक जो है स्ट्रोक बेसिकली कम हो रहा है, बोर तो कम हो रहा है लेकिन बोर एयर फ्यूल का मिक्सचर है, लेकिन सिलेंडर ज़्यादा है तो ज़्यादा सिलेंडर होने की वजह से ज़्यादा, मतलब चार बार वही प्रोसेस होगी एयर फ्यूल की मिक्सचर, इसलिए तो माइलेज ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि भाई चार बार प्रोसेस हो रही है ना, सिलेंडर ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट की वजह से वाइब्रेशन होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा यार कि जो तीन सिलेंडर की गाड़ियाँ होती हैं कार में, आप देख लो ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती, चार सिलेंडर की कार ज़्यादा रिफाइंड होती हैं, या आपने ये भी सुना होगा कि चार सिलेंडर की बाइक ज़्यादा रिफाइंड है सिंगल सिलेंडर कंपैरिजन में। तो यही एक सिंपल सा फंडा है। आप एक काम करो, इस वीडियो को दोबारा पूरा एक बार स्टार्टिंग से देखो और ये पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखो। आप कुछ एक आध गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हो, मैं आपको एक जैसे यहाँ पे एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ आप उनको ट्राई करना, आप RTR 164 भी को एग्जांपल में पुट करके देखना, उसका बोर और स्ट्रोक पता करना और उसमें निकाल के देखना, फिर आप देखना कि स्ट्रोक कम है या ज़्यादा है, उसको थोड़ा आप रिलेट करने की कोशिश करना। ऐसे ही आप जावा को पुट करके देख सकते हो। हाँ गाइस, जावा के केस में एक थोड़ा सा एक और आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो, क्योंकि जावा का स्ट्रोक साइज भी थोड़ा ज़्यादा है और बोर साइज भी ज़्यादा है, तो उसमें पावर भी आपको अच्छी मिल जाएगी थोड़ा, लेकिन वाइब्रेशन भी होता है, ये भी समझने की बात है। तो गाइज, आई होप आपको जो डाउट था कि भाई ड्यूक में पावर ज़्यादा क्यों है या ड्यूक ज़्यादा रिफाइंड क्यों है, रॉयल इनफील्ड 350 सीसी की है लेकिन पावर क्यों नहीं है, भक्ति क्यों नहीं है, वाइब्रेशन क्यों होता है, या आपको अभी रॉयल इनफील्ड खरीदनी चाहिए, जावा खरीदनी चाहिए, या ड्यूक 200 खरीदनी चाहिए, कोई और बाइक खरीदनी चाहिए, या आपका जो सीसी का डाउट था कि भाई सीसी ज़्यादा क्यों है इसमें, या हम कम सीसी की बाइक लें या ज़्यादा सीसी की बाइक लें, तो वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, लास्ट में यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ, एक इन जनरल केस ये भी होता है कि जितनी ज़्यादा हायर सीसी की बाइक उतना कम उसका माइलेज, लेकिन आप अगर कुछ बाइक में देखोगे तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड देखोगे, उसका माइलेज एक्चुअली में देखा जाए तो ड्यूक से ज़्यादा मिलता है तरीके से आप देखो। उसका रीज़न यही है कि उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर कम आता है, क्योंकि बोर साइज छोटी है थोड़ी सी, है ना, उसको इस हिसाब से ट्यून नहीं किया गया है कि वो ज़्यादा पावर दे पाए, समझ रहे हो। तो इसलिए आपने देखा होगा रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी की सिंगल सिलेंडर की बाइक है उसमें आपको लगभग 40 का भी माइलेज मिल जाता है, लेकिन ड्यूक 200 में या तो इतना या उससे कम ही मिलता है, मतलब 30 से लेकर 35 के बीच में मिलता है। अगर आपके पास ये कोई बाइक है तो एग्जैक्ट माइलेज जो भी होगा बताना कमेंट बॉक्स में। और गाइज, ये बिल्कुल यूनिक सी वीडियो है, ये मेरी मतलब ये चीज़ें जो लगी कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, बहुत लोगों का डाउट था तो मैंने सोचा पूरा एक फॉर्म में बताया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाए। और ऐसे ही अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड या कुछ भी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हो। और हाँ, वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, रिव्यू तो मिलते ही हैं, यूजर रिव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं आपको सभी बाइक्स के जो भी मार्केट में हैं, चाहे पुराना मॉडल हो चाहे नया मॉडल है। अगर यूजर कोई रिव्यू करना चाहता है तो हम उसको अपने चैनल में अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो यूजर रिव्यू करता है, फिर आपको वीडियो मिलती है, सारा कुछ चलता रहेगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।